हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बिल्कुल, हमारी 10 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी जिसमें हम राजस्थान जीके से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो लेके आ रहे थे। आज उसका अगला पार्ट लेके आया हूँ। तो बिल्कुल, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको राजस्थान सरकार की किसी भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई भी सूचना हो, वो सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। साथ में आप यहाँ से राजस्थान जी की रीजनिंग वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन अपना है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। जो विजय सिंह पथिक थे उनका वास्तविक नाम है वो क्या था? भूप सिंह गुर्जर, भाग सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह गुर्जर, बादल सिंह गुर्जर। तो दोस्तों, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर, ठीक है। और ये बुलंदशहर के थे। कहाँ के थे? बुलंदशहर, बुलंदशहर के थे, ठीक है। बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना, एक बार दिखाई नहीं दे रहा, वो बुलंदशहर, बुलंदशहर के थे, ठीक है। तो विजय सिंह पति का वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था और ये बुलंदशहर के थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला और प्रमुख केंद्र युग में सुमेलित नहीं है? तो थेवाकला, सिक्कर देरका, गलीचा, जयपुर, अजरक प्रिंट, बाड़मेर और कठपुतली बीकानेर, नहीं उदयपुर, सॉरी। तो थेवाकला दोस्तों सिक्कर की नहीं है, थेवाकला है प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ जाना जाता है थेवाकला के लिए, ठीक है। तो अपना पहला ही आंसर है वो राइट हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित है, लेकिन ये पहला है वो असुमेलित है, थेवाकला का, कि ये प्रतापगढ़ आप रखना है आपको। अगला क्वेश्चन अपना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा? खैराबाद रखा, सिवाना, जोधपुर, रणथंभौर या चित्तौड़। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर में है उसको जीतकर उसका नाम है वो खैराबाद रखा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिवाना दुर्ग बाड़मेर का नाम है, अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर खैराबाद रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिजोलिया अभिलेख का काल पूछा है, यानी कि कौन से काल का है बिजोलिया शिलालेख? 1676, 1170, 953 या 1273। तो दोस्तों बिजोली अभिलेख है वो 1170 का है, ठीक है। बिल्कुल, ये आपको बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 1170 बिजोली अभिलेख का काल है, जिसमें चौहानों के बारे में बिल्कुल लिखा हुआ है, जैसे वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की उसके बारे में बिल्कुल ये हमें जानकारी देता है। तो बिजोली अभिलेख कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, और 1170 ईस्वी का है, ठीक है। अगला है कि मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजी बहुजीरो तालाब बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? यानी मालदेव की कौन सी रानी थी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? हीरा दे जाली, स्वरूप दे जाली, उमा दे भटियाणी या पार्वती सिसोदन? तो बिल्कुल इसका आंसर है दोस्तों स्वरूप दे जाली, स्वरूप दे जाली ने ही मंडोर के पास है बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, यानी कि असुमेलित अपने को पहचानना है? रजब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अलाजिलाबाई मांड गायक और रविशंकर नड वादक। तो रजब अली बिल्कुल वीणा वादक है, आमिर खान सितार वादक है, अलाजिलाबाई बिल्कुल बहुत फेमस है मांड गायक है, और रविशंकर बिल्कुल नड वादक नहीं है, ये है सितार, सितार के बिल्कुल बहुत बड़े कलाकार हैं, यानी कि सितार वादक है। तो अपना डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है कि राजस्थान में जोरावा गीत बिल्कुल है, यानी कि किससे संबंधित है जोरावा? एक विरह गीत है, परिवार में गाया जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, वधु विदाई गीत है, या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला गीत है? तो दोस्तों जोरावा गीत है वो एक प्रकार का क्या है? विरह गीत है, एक प्रकार का विरह गीत है, ठीक है, जोरावा, जो किसी की याद में गाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? सुहांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य या ख्याल लोकनाट्य? तो बिल्कुल गुलाल बाई और जो कृष्णा कुमारी थे वो नौटंकी लोकनाट्य के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। तो अपना आंसर बी है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोली समाज की वीर बालिका जलकारी बाई के स्मारक से संबंधित जिला, यानी कि जलकारी बाई का जो स्मारक है वो कौन से ज़िले में बना हुआ है? जो कोली समाज की एक वीर बालिका थी, ठीक है, अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बीकानेर में? तो दोस्तों जलकारी बाई का जो स्मारक है वो अपने अजमेर ज़िले के अंदर बिल्कुल बना हुआ है, ठीक है, अजमेर ज़िला आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि वागड़ की बा के नाम से, यानी कि वागड़ बा के नाम से किसे जाना जाता है? नारायणी देवी, मणिबेन पांड्या, नगेंद्र बाला या किशोरी देवी?
तो दोस्तों वागड़ बा के रूप में बिल्कुल मणिबहन पांड्या को जाना जाता है। अपना बी आंसर सही हो जाएगा, मणिबहन पांड्या को वागड़ बा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।